दानापुर रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट एनुमिट पूर्वती छात्र को लेकर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है पूर्वती छात्र आज दानापुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर पहुँचे हैं और ये जो है कि स्वच्छता अभियान को लेकर लोग मैसेज दे रहे हैं। हमारे साथ पूर्वती छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज जो कार्यक्रम स्वच्छता अभियान जो चलाया गया, क्या संदेश दे रहे हैं? हम लोग को सबको स्वच्छ रहना चाहिए और सबको प्रेरित करना चाहिए कि स्वच्छता के साथ रहें। ये सबसे इम्पोर्टेंट, जो स्वच्छ ही स्वच्छ से ही हम लोग का सारा बीमारियों का उपलब्धता होता है, इसीलिए हम लोग स्वच्छ के साथ रहना चाहिए। देखिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि स्वच्छ रहे, लोगों को मतलब प्रेरित करें। बिल्कुल, मेरा मोटिव यही है कि हम लोगों को प्रेरित करें कि भाई हम लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। देखिए, लोगों को जो है कि स्वस्थ को लेकर जो है कि प्रेरित कर रहे हैं। हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जो आज स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है वो क्या संदेश दे रहे हैं। ये संदेश जा रहा है कि सभी को साफ सुथरा, अपने अगल बगल में सब अपना साफ सुथरा रखिए, इससे बीमारी दूर होगी। ये गांधी जी का नारा था, स्वच्छ का नारा था, स्वच्छता की नारा था, वही हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। आज कितने लोग यहाँ आए हैं स्वच्छता अभियान में? स्वच्छता अभियान में लगभग हमारे स्कूल से 100 से ऊपर आए हैं स्टूडेंट्स, पूर्ववर्ती छात्र आए हैं। 100 से अधिक जो है पूर्ववर्ती छात्र यहाँ स्वच्छता अभियान में आए हुए हैं। हमारे साथ और भी हैं, पहले उनसे भी बात करेंगे। क्या लेकर आज जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है? स्वच्छता सप्ताह, जैसा कि आप जानते हैं, ये पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह की परिकल्पना पिछले 5-6 महीने से लगे हुए थे हम लोग सब लोगों के साथ मिल करके आज यहाँ तक पहुँचा। उसी कड़ी में रेलवे स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र द्वारा आज दानापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि हमारा स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा जो कि आपका क्या नाम है, 16 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चलेगी और कल ये स्वच्छांजलि हमारे गांधी जी को दिया जाएगा। आज जो है कि स्वच्छता अहिंसा के रास्ते स्वच्छता अभियान जिसको लेकर आज निकाला है। हाँ, निकाला है। देखिए, 100 से अधिक जो हैं छात्र यहाँ शामिल हुए हैं, और भी लोग हैं जो कि उनसे भी बात करेंगे। क्या जो है कि लेकर यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाएगा? हम लोग का स्वच्छता अभियान चल रहा है, जो पखवाड़ा चल रहा है 16 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता अभियान के ये हैं, तो उसी पर अवसर पर हम लोग को पूर्ववर्ती छात्र समारोह मिलन समारोह जो आयोजित है 1 अक्टूबर को, उसी पखवाड़े में हम लोग को पड़ रहा है, इसलिए हम लोग स्वच्छता अभियान में भी अपना भागीदारी यहाँ दे रहे हैं। देखिए, हमारे साथ स्कूल के जो हैं कि प्रिंसिपल भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि सर, रेलवे स्कूल में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है जी, जिसमें पूर्ववर्ती छात्र लोग जुड़ रहे हैं, आज स्वच्छता अभियान निकाला गया है, क्या कहेंगे लोगों को? मैं सबको, सभी एलुमनी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस स्वच्छता पखवाड़ा में सभी लोग मिल करके 1 दिन का स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जिसको सफलतापूर्वक सभी लोग लगे हुए हैं, सफलतापूर्वक इसको जो है सफाई अभियान को पूरा कर, मतलब कि सभी को संदेश दे रहे हैं स्वच्छता को लेकर जी। सभी लोगों को इसे यही संदेश देना है कि लोग अपने पास पड़ोस में कोई गंदगी न फैलावें, कोई कूड़ा कचरा हो तो उसको उठा के डस्टबिन का ही प्रयोग करें, ताकि जो है गंदगी न फैले चारों तरफ। देखिए, हमारे साथ प्रिंसिपल थे रेलवे स्कूल के, जिन्होंने संदेश दिया है कि आसपास में जो हैं जितने भी लोग हैं वो अपने घरों को और आसपास के जो भी जगह हैं उन्हें साफ सुथरा रखें, और लोगों को संदेश भी दे रहे हैं ये स्वच्छता अभियान को लेकर के। दानापुर से समाचार प्लस के लिए रजत कुमार।